हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह। तो चलिए आज बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, और सरसों का तेल डालने के बाद जब खूब अच्छे से हमारा तेल हो गया, उसके बाद मैंने इसमें डाला फिर राई, हींग और जीरा। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, उसको इसमें डाल दिया। जब ये हल्का सा हो गया फिर उसके ऊपर से मैंने डाली थी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची डालने के बाद फिर इसमें उसमें डाला मैंने बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने 2 से 3 डाले हैं, आपकी पसंद है जितना भी डालें। और फिर इसके ऊपर स्वादानुसार नमक डालें जितना भी आप खाते हो, और इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। जब ये हो गए तो इसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी शिमला मिर्ची, आधी काट कर डाली थी पतली पतली लंबाई में, और थोड़ी सी गाजर कस के डाली। और बस इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने खूब अच्छे से इसको भूना, और ये जब खूब अच्छे से भून के तैयार हो गए फिर इसको देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो मैंने इसके ऊपर डाला चॉप किए हुए टमाटर, मैंने 3 टमाटर डाले थे, आपकी मर्जी जितने भी डालें। अब बस ये टमाटर डालने के बाद मैंने इसके ऊपर से डाली थी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और लाल मिर्ची, या थोड़ा सा गर्म मसाला डाला था मैंने। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे अच्छे से। और जब ये मसाला धीरे धीरे करके अच्छे से पक जाएगा तो ये मसाला तेल छोड़ देगा, और तेल छोड़ने के बाद देखिए इसने अपना तेल छोड़ दिया है, और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। और देखिए हमारा मसाला भून के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, और हमने जो पनीर कस के रखी थी कद्दूकस करके उसको इसमें डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये हमने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ें, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे। 2 मिनट ढकने के बाद देखिए ये हमारा एकदम से अच्छे से बन के तैयार है। और बस जब ये बन जाएगा तो फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, और हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और फिर बस देखिए हमारी पनीर भुर्जी बन के तैयार है, एकदम टेस्टी बनी है। और फिर हम इसे कटोरे में निकाल के अच्छे से हरे धनिए से सर्व करेंगे। देखिए तो एकदम मस्त से हमारी पनीर भुर्जी बनके तैयार है। एंजॉय। थैंक यू।